नवरात्रि व्रत कथा। नवरात्रि एक हिंदू पर्व है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है नौ रातें। इन नौ रातों और दस दिनों के दौरान शक्ति देवी के नौ रूपों की पूजा की जाती है। दसवां दिन दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्रि वर्ष में चार बार आता है, पौष, चैत्र, आषाढ़, अश्विन प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। नवरात्रि के नौ रातों में तीन देवियों महालक्ष्मी, महासरस्वती या सरस्वती और दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा होती है, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। इन नौ रातों और दस दिनों के दौरान शक्ति देवी के नौ रूपों की पूजा की जाती है। दुर्गा का मतलब जीवन के दुख का हटाने वाली होता है। नवरात्रि एक महत्वपूर्ण प्रमुख त्योहार है जिसे पूरे भारत में महान उत्साह के साथ मनाया जाता है। नौ देवियां हैं। शैलपुत्री, इसका अर्थ पहाड़ों की पुत्री होता है। ब्रह्मचारिणी, इसका अर्थ ब्रह्मचारिणी। चंद्रघंटा, इसका अर्थ चांद की तरह चमकने वाली। कूष्मांडा, इसका अर्थ पूरा जगत उनके पैर में है। स्कंद माता, इसका अर्थ कार्तिक स्वामी की माता। कात्यायनी, इसका अर्थ कात्यायन आश्रम में जन्मी। कालरात्रि, इसका अर्थ काल का नाश करने वाली। महागौरी, इसका अर्थ सफेद रंग वाली माँ। सिद्धिदात्री, इसका अर्थ सर्व सिद्धि देने वाली। शक्ति की उपासना का पर्व शारदीय नवरात्र प्रतिपदा से नवमी तक निश्चित नौ तिथि, नौ नक्षत्र, नौ शक्तियों की नवधा भक्ति के साथ सनातन काल से मनाया जा रहा है। सर्वप्रथम श्री रामचंद्र जी ने इस शारदीय नवरात्रि पूजा का प्रारंभ समुद्र तट पर किया था और के बाद दसवें दिन लंका विजय के लिए प्रस्थान किया और विजय प्राप्त की। तब से असत्य अधर्म पर सत्य धर्म की जीत का पर्व दशहरा मनाया जाने लगा। आदिशक्ति के हर रूप की नवरात्र के नौ दिनों में क्रमशः अलग अलग पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की नौवीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली हैं। इनका वाहन सिंह है और कमल पुष्प पर ही आसीन होती हैं। नवरात्रि के नौवे दिन इनकी उपासना की जाती है। भगवान शिव की शक्तियों में उग्र और सौम्य दो रूपों में अनेक रूप धारण करने वाली दशमहाविद्या अनंत सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। दसवें स्थान पर कमला वैष्णवी शक्ति हैं, जो प्राकृतिक संपत्तियों की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी हैं। देवता, मानव, दानव सभी इनकी कृपा के बिना पंगु हैं, इसलिए आगम निगम दोनों में इनकी उपासना समान रूप से वर्णित है। सभी देवता, राक्षस, मनुष्य, गंधर्व इनकी कृपा प्रसाद के लिए लालायित रहते हैं। नवरात्रि भारत के विभिन्न भागों में अलग ढंग से मनाई जाती है। गुजरात में इस त्योहार को बड़े पैमाने से मनाया जाता है। गुजरात में नवरात्रि समारोह डांडिया और गरबा के रूप में जान पड़ता है। ये पूरी रात भर चलता है। डांडिया का अनुभव बड़ा ही असाधारण है। देवी के सम्मान में भक्ति प्रदर्शन के रूप में गरबा आरती से पहले किया जाता है और डांडिया समारोह उसके बाद। पश्चिम बंगाल के राज्य में बंगालियों के मुख्य त्योहारों में दुर्गा पूजा बंगाली कैलेंडर में सबसे अलंकृत रूप में उभरा है। इस अद्भुत उत्सव का जश्न नीचे दक्षिण मैसूर के राजसी क्वार्टर को पूरे महीने प्रकाशित करके मनाया जाता है। नवरात्रि के पहले तीन दिन देवी दुर्गा की पूजा करने के लिए समर्पित किए गए हैं। ये पूजा उसकी ऊर्जा और शक्ति की जाती है। प्रत्येक दिन दुर्गा के एक अलग रूप को समर्पित है। त्योहार के पहले दिन बालिकाओं की पूजा की जाती है, दूसरे दिन युवती की पूजा की जाती है, तीसरे दिन जो महिला परिपक्वता के चरण में पहुंच गई है उसकी पूजा की जाती है। देवी दुर्गा के विनाशकारी पहलू सब बुराई प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करने के प्रतिबद्धता के प्रतीक है। नवरात्रि के चौथा से छठा दिन व्यक्ति जब अहंकार, क्रोध, वासना और अन्य पशु प्रवृत्ति की बुराई प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वो एक शून्य का अनुभव करता है। ये शून्य आध्यात्मिक धन से भर जाता है। प्रयोजन के लिए व्यक्ति सभी भौतिकवादी आध्यात्मिक धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा करता है।
नवरात्रि के चौथे, पांचवें और छठे दिन लक्ष्मी समृद्धि और शांति की देवी की पूजा करने के लिए समर्पित है। शायद व्यक्ति बुरी प्रवृत्तियों और धन पर विजय प्राप्त कर लेता है, पर वो अभी सच्चे ज्ञान से वंचित है। ज्ञान एक मानवीय जीवन जीने के लिए आवश्यक है, भले ही वह सत्ता और धन के साथ समृद्ध है। इसलिए नवरात्रि के पांचवें दिन देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। सभी पुस्तकों और अन्य साहित्य सामग्रियों को एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया जाता है और एक दिया देवी आह्वान और आशीर्वाद लेने के लिए देवता के सामने जलाया जाता है। नवरात्रि का सातवां और आठवां दिन सातवें दिन कला और ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा की है। प्रार्थनाएं आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश के उद्देश्य के साथ की जाती हैं। आठवें दिन पर एक यज्ञ किया जाता है। यह एक बलिदान है जो देवी दुर्गा को सम्मान तथा उनको विदा करता है। नौवां दिन नवरात्रि समारोह का अंतिम दिन है। यह महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पर कन्या पूजन होता है। उन नौ जवान लड़कियों की पूजा होती है जो अभी तक यौवन की अवस्था तक नहीं पहुंची है। इन नौ लड़कियों को देवी दुर्गा के नौ रूपों का प्रतीक माना जाता है। लड़कियों का सम्मान तथा स्वागत करने के लिए उनके पैर धोए जाते हैं। पूजा के अंत में लड़कियों को उपहार के रूप में नए कपड़े पेश किए जाते हैं। नवरात्रि के नौ दिन कैसे करें कन्या पूजन। नवरात्रि यानी सौंदर्य के मुखरित होने का पर्व, नवरात्रि यानी उमंग से खेल खेल जाने का पर्व कहते हैं। नौ दिनों तक देवी या शक्ति मनुष्य लोक के भ्रमण के लिए आती है। इन दिनों की गई उपासना आराधना से देवी भक्तों पर प्रसन्न होती है। लेकिन पुराणों में वर्णित है कि मात्र श्लोक मंत्र उपवास और हवन से देवी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। इन दिनों दो से लेकर पांच वर्ष तक की नन्ही कन्याओं के पूजन का विशेष महत्व है। नौ दिनों तक इन नन्ही कन्याओं को सुंदर गिफ्ट्स देकर इनका दिल जीता जा सकता है। इनके माध्यम से नवदुर्गा को भी प्रसन्न किया जा सकता है। प्राणों की दृष्टि से नौ दिनों तक कन्याओं को एक विशेष प्रकार की भेंट देना शुभ होता है। प्रथम दिन इन्हें फूल की भेंट देना शुभ होता है। साथ में कोई एक श्रृंगार सामग्री अवश्य दें। अगर आप मां सरस्वती को प्रसन्न करना चाहते हैं तो श्वेत फूल अर्पित करें। अगर आपके दिल में कोई भौतिक कामना है तो लाल पुष्प देकर इन्हें खुश करें। उदाहरण के लिए गुलाब, चंपा, मोगरा, गेंदा, गुड़हल। दूसरे दिन फल देकर इनका पूजन करें। ये फल भी सांसारिक कामना के लिए लाल अथवा पीला और वैराग्य की प्राप्ति के लिए केला या श्रीफल हो सकता है। याद रखें कि फल खट्टे ना हो। तीसरे दिन मिठाई का महत्व होता है। इस दिन अगर हाथ की बनी खीर, हलवा या केसरिया चावल बनाकर खिलाए जाएं तो देवी प्रसन्न होती है। चौथे दिन इन्हें वस्त्र देने का महत्व है, लेकिन सामर्थ्य अनुसार रूमाल या रंग बिरंगे रिबन दिए जा सकते हैं। पांचवें दिन देवी से सौभाग्य और संतान प्राप्ति की मनोकामना की जाती है। अतः कन्याओं को पांच प्रकार की श्रृंगार सामग्री देना अत्यंत शुभ होता है। इनमें बिंदिया, चूड़ी, मेहंदी, बालों के लिए क्लिप्स, सुगंधित साबुन, काजल, नेल पॉलिश, टेलकम पाउडर इत्यादि हो सकते। छठे दिन बच्चियों को खेल सामग्री देना चाहिए। आजकल बाजार में खेल सामग्री की अनेक वैरायटी उपलब्ध है। पहले ये रिवाज पांचे, रस्सी और छोटे मोटे खिलौनों तक सीमित था। अब तो ढेर सारे विकल्प मौजूद है। सातवां दिन मां सरस्वती के आह्वान का होता है। अतः इस दिन कन्याओं को शिक्षण सामग्री दी जानी चाहिए। आजकल स्टेशनरी बाजार में विभिन्न प्रकार के पेन, स्केच पेन, पेंसिल, कॉपी, ड्राइंग बुक्स, कंपास, वाटर बॉटल, कलर बॉक्स, लंच बॉक्स उपलब्ध है। आठवां दिन नवरात्रि का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन अगर कन्या का अपने हाथों से श्रृंगार किया जाए तो देवी विशेष आशीर्वाद देती है। इस दिन कन्या के दूध से पैर पूजने चाहिए। पैरों पर अक्षत फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। इस दिन कन्या को भोजन कराना चाहिए और यथासामर्थ्य कोई भी भेंट देनी चाहिए। हर दिन कन्या पूजन में दक्षिणा अवश्य दें। तारांकन नौवें दिन खीर, ग्वारफली और दूध में गूंथी पूरियां कन्या को खिलानी चाहिए।
उसके पैरों में महावर और हाथों में मेहंदी लगाने से देवी पूजा संपूर्ण होती है। अगर आपने घर पर हवन का आयोजन किया है तो उसके नन्हे हाथों से उसमें समिधा अवश्य दिलवाएं, उसे इलायची और पान का सेवन कराएं। इस परंपरा के पीछे मान्यता है कि देवी जब अपने लोक जाती है तो उसे घर की कन्या की तरह ही विदा किया जाना चाहिए। अगर सामर्थ्य हो तो नौवे दिन लाल चुनर कन्याओं को भेंट में दे, उन्हें दुर्गा चालीसा की छोटी पुस्तकें भेंट करें। गरबा के डांडिये और चुनिया चोली दिए जा सकते हैं। इन सारी रीतियों के अनुसार पूजन करने से देवी प्रसन्न होकर वर्ष भर के लिए सुख समृद्धि यश वैभव कीर्ति और सौभाग्य का वरदान देती है। नवरात्रि व्रत महत्व। नवरात्रि उत्सव देवी अम्बा विद्युत का प्रतिनिधित्व है। वसंत की शुरुआत और शरद ऋतु की शुरुआत जलवायु और सूरज के प्रभावों का महत्वपूर्ण संगम माना जाता है। इन दो समय माँ दुर्गा की पूजा के लिए पवित्र अवसर माने जाते हैं। त्योहार की तिथियां चंद्र कैलेंडर के अनुसार निर्धारित होती हैं। नवरात्रि पर्व माँ दुर्गा की अवधारणा भक्ति और परमात्मा की शक्ति उदात्तता परम रचनात्मक ऊर्जा की पूजा का सबसे शुभ और अनोखा अवधि माना जाता है। ये पूजा वैदिक युग से पहले प्रागैतिहासिक काल से है। ऋषि के वैदिक युग के बाद से नवरात्रि के दौरान की भक्ति प्रथाओं में से मुख्य रूप गायत्री साधना का है। नवरात्रि में कैसे करें माँ दुर्गा का पूजन। माँ जगदम्बा दुर्गा देवी जो ममता में ही माँ अपने पुत्रों की इच्छा पूर्ण करती है, ऐसी देवी माँ का पूजन संक्षिप्त में प्रस्तुत है। सबसे पहले आसन पर बैठकर जल से 3 बार शुद्ध जल से आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। फिर हाथ में जल लेकर हाथ धो लें। हाथ में चावल एवं फूल लेकर अंजुरी बांधकर दुर्गा देवी का ध्यान करें। आगच्छ त्वम महादेवी स्थाने चात स्थिरा भव, यावत पूजा करिष्यामि तावत त्वम सन्निधो भव। श्री जगदम्बे दुर्गा देव्यै नमः। दुर्गा देवी आवाह्यामी, फूल चावल चढ़ाएं। श्री जगदम्बे दुर्गा देव्यै नमः। आसनार्थे पुष्पानि समर्पयामी, भगवती को आसन दे। श्री दुर्गा देव्यै नमः। पाद्यम अर्घ्या आचमन स्नानार्थ जल समर्पयामी, आचमन ग्रहण करें। श्री दुर्गा देवी दुग्धम समर्पयामी, दूध चढ़ाएं। श्री दुर्गा देवी दही समर्पयामी, दही चढ़ाएं। श्री दुर्गा देवी घृत समर्पयामी, घी चढ़ाएं। श्री दुर्गा देवी मधु समर्पयामी, शहद चढ़ाएं। श्री दुर्गा देवी गंधोदक समर्पयामी, गंध चाहें। श्री दुर्गा देवी शुद्धोदक स्नानम समर्पयामी, जल चाहें। आचमन के लिए जल ले। श्री दुर्गा देवी वस्त्रम समर्पयामी, वस्त्र उपवस्त्र चढ़ाएं। श्री दुर्गा देवी सौभाग्य सूत्रम समर्पयामी, सौभाग्य सूत्र चाहें। श्री दुर्गा देव्यै पुष्पमालाम समर्पयामी, फूल फूलमाला बिल्व पत्र दुर्वा चढ़ाएं। श्री दुर्गा देव्यै नैवेद्यम निवेदयामी, इसके बाद हाथ धोकर भगवती को भोग लगाएं। श्री दुर्गा देव्यै फलम समर्पयामी, फल चढ़ाएं। तांबूल सुपारी लौंग इलायची चढ़ाएं। श्री दुर्गा देव्यै तांबूला समर्पयामी, माँ दुर्गा देवी की आरती करें। यही देवी पूजा की संक्षिप्त विधि है। प्रमुख कथा पलका युद्ध में ब्रह्मा जी ने श्री राम से रावण वध के लिए चंडी देवी का पूजन कर देवी को प्रसन्न करने को कहा और बताए अनुसार चंडी पूजन और हवन हेतु दुर्लभ 108 नीलकमल की व्यवस्था की गई। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमरता के लोभ में विजय कामना से चंडी पाठ प्रारंभ किया। ये बात इंद्रदेव ने पवन देव के माध्यम से श्रीराम के पास पहुंचाई और परामर्श दिया कि चंडी पाठ यथासंभव पूर्ण होने दिया जाए। इधर हवन सामग्री में पूजा स्थल से एक नीलकमल रावण की मायावी शक्ति से गायब हो गया और राम का संकल्प टूटता सा नजर आने लगा। भय इस बात का था कि देवी मां रुष्ट न हो जाएं। दुर्लभ नीलकमल की व्यवस्था तत्काल संभव थी। तब भगवान राम को सहज ही स्मरण हुआ कि मुझे लोग कमलनयन नवकंच लोचन कहते हैं, तो क्यों न संकल्प पूर्ति हेतु एक नेत्र अर्पित कर दिया जाए। और प्रभु राम जैसे ही तूणीर से एक बाण निकालकर अपना
नेत्र निकालने के लिए तैयार हुए तब देवी ने प्रकट हो हाथ पकड़कर कहा, राम मैं प्रसन्न हूँ, और विजयश्री का आशीर्वाद दिया। वहीं रावण के चंडी पाठ में यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों की सेवा में ब्राह्मण बालक का रूप धरकर हनुमान जी सेवा में जुट गए। निस्वार्थ सेवा देखकर ब्राह्मणों ने हनुमान जी से वर मांगने को कहा। इस पर हनुमान ने विनम्रतापूर्वक कहा, प्रभु आप प्रसन्न हैं तो जिस मंत्र से यज्ञ कर रहे हैं उसका एक अक्षर मेरे कहने से बदल दीजिए। ब्राह्मण इस रहस्य को समझ नहीं सके और तथास्तु कह दिया। मंत्र में जया देवी भूर्तिहरिणी में ह के स्थान पर का उच्चारित करें, यही मेरी इच्छा है। भूर्तिहरिणी यानी कि प्राणियों की पीड़ा हरने वाली, और करिणी का अर्थ हो गया प्राणियों को पीड़ित करने वाली, जिससे देवी रुष्ट हो गई और रावण का सर्वनाश करवा दिया। हनुमान जी महाराज ने श्लोक में ह की जगह क करवाकर रावण के यज्ञ की दिशा ही बदल दी। अन्य कथाएं इस पर्व से जुड़ी। एक अन्य कथा अनुसार देवी दुर्गा ने एक भैंस रूपी असुर अर्थात महिषासुर का वध किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर के एकाग्र ध्यान से बाध्य होकर देवताओं ने उसे अजय होने का वरदान दे दिया। उसको वरदान देने के बाद देवताओं को चिंता हुई कि वो अब अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करेगा और प्रत्याशित प्रतिफल स्वरूप महिषासुर ने नरक का विस्तार स्वर्ग के द्वार तक कर दिया और उसके इस कृत्य को देख देवता विस्मय की स्थिति में आ गए। महिषासुर ने सूर्य इंद्र अग्नि वायु चंद्रमा यम वरुण और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और स्वयं स्वर्गलोक का मालिक बन बैठा। देवताओं को महिषासुर के प्रकोप से पृथ्वी पर विचरण करना पड़ रहा है। तब महिषासुर के इस दुस्साहस से क्रोधित होकर देवताओं ने देवी दुर्गा की रचना की। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा के निर्माण में सारे देवताओं का एक समान बल लगाया गया था। महिषासुर का नाश करने के लिए सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र देवी दुर्गा को दिए थे और कहा जाता है कि इन देवताओं के सम्मिलित प्रयास से देवी दुर्गा और बलवान हो गई थी। इन 9 दिन देवी महिषासुर संग्राम हुआ और अंततः महिषासुर वध कर महिषासुर मर्दनी कहलाई। धार्मिक क्रिया चौमासे में जो कार्य स्थगित किए गए होते हैं उनके आरंभ के लिए साधन इसी दिन से जुटाए जाते हैं। क्षत्रियों का ही बहुत बड़ा पर्व है। इस दिन ब्राह्मण सरस्वती पूजन तथा क्षत्रिय शस्त्र पूजन आरंभ करते हैं। विजयादशमी या दशहरा एक राष्ट्रीय पर्व है, अर्थात आश्विन शुक्ल दशमी को सायंकाल तारा उदय होने के समय विजयकाल रहता है। ये सभी कार्यों को सिद्ध करता है। आश्विन शुक्ल दशमी पूर्व विद्या निषिद्ध पर विद्या शुद्ध और श्रवण नक्षत्र युक्त सूर्योदय व्यापिनी सर्वश्रेष्ठ होती है। अपराहन काल श्रवण नक्षत्र तथा दशमी का प्रारंभ विजय यात्रा का मुहूर्त माना गया है। दुर्गा विसर्जन अपराजिता पूजन विजय प्रयाग शमी पूजन तथा नवरात्र पारण इस पर्व के महान कर्म है। इस दिन संध्या के समय नीलकंठ पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। क्षत्रिय राजपूतों इस दिन प्रातः स्नानादि नित्य कर्म से निवृत्त होकर संकल्प मंत्र लेते हैं। इसके पश्चात देवताओं गुरुजन अस्त्र शस्त्र अश्व आदि के यथाविधि पूजन की परंपरा है। नवरात्रि के दौरान कुछ भक्तों उपवास और प्रार्थना स्वास्थ्य और समृद्धि के संरक्षण के लिए रखते हैं। भक्त इस व्रत के समय मांस शराब अनाज गेहूं और प्याज नहीं खाते। नवरात्रि और मौसमी परिवर्तन के काल के दौरान अनाज आमतौर पर परहेज कर दिया जाते हैं क्योंकि मानते हैं कि अनाज नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। नवरात्रि आत्मनिरीक्षण और शुद्धि का अवधि है और पारंपरिक रूप से नए उद्यम शुरू करने के लिए एक शुभ और धार्मिक समय है।